टोयोटा की ग्लेंजा आप ये देख रहे हो ESGV इन वेरिएंट के साथ में आपको ये गाड़ी मिल जाती है। ई वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट को छोड़ के उससे ऊपर सभी वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा और पेट्रोल इंजन के साथ में ही सिर्फ ये गाड़ी आती है। गुड़गांव हरियाणा में इस ई वेरिएंट का जो ऑन रोड प्राइस पड़ता है वो है 7,60,000 रुपये। बाकी अलग जगह पर अलग डिस्ट्रिक्ट में जो ये प्राइस है वेरी कर सकते हैं। काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ क्यों है ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। देखो बेस वेरिएंट में भी आपको सेंटर लॉकिंग जो है गाड़ी के अंदर मिल जाती है, लॉक एंड अनलॉक का ही स्विच आएगा। पर जैसे गाड़ी को लॉक करूंगा या फिर गाड़ी को अनलॉक करूंगा तो कोई आवाज़ इसके अंदर से नहीं आती है। जो इस गाड़ी के अंदर में हेडलैम्प मिलती है वो आपको प्रोजेक्टर के साथ मिल जाती है। इंडिकेटर इसके हेलोजन के साथ में आती है। इस गाड़ी के अंदर कोई फॉग लाइट आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे ना आपको कार्बन फाइबर टाइप का सा देखने को मिलेगा, बट ये इस गाड़ी के अंदर में प्लास्टिक ही दिया हुआ है। डोर हैंडल्स और जो ORVMs हैं इस गाड़ी के, ये आपको अनपेंटेड ही मिलते हैं। अगर इन ORVM की जैसे आप एडजस्टमेंट देखोगे तो यहाँ पे कोई जॉयस्टिक भी नहीं दिया गया है और अंदर से भी जो आप इनको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट नहीं कर सकते हो, सिर्फ आपको यहाँ बाहर से ही जो है इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। और जो फोल्ड एंड अनफोल्ड है वो तो जाहिर सी बात है, ये आपको मैनुअली ही करने पड़ेंगे। फेंडर पे ही इसके इंडिकेटर आएंगे, व्हील कवर्स इनके ऊपर मिल जाएंगे, फ्रंट डिस्क आएगा, रियर इसके अंदर ड्रम ब्रेक आएगा, अपोलो के टायर्स जो है गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे, 185/65 R15 inch के जो है इसका टायर सेक्शन आता है। ग्राउंड क्लियरेंस कंपेयर टू पुरानी बलिनो से इसका बढ़िया हो गया है। फ्यूल लीड यहाँ पे दी गई लेफ्ट साइड में जो कि बाहर से दबाने से ओपन नहीं होती है। 47 liter की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है। माइक्रो टाइप ही गाड़ी के अंदर में एंटीना मिलता है। डिफॉगर भी जो है आपको गाड़ी में मिल जाता है और जो गाड़ी की टेल लैंप है वो आपको LED में मिल जाती है। ऊपर स्पॉइलर मिल जाएगा और हाई मम स्टॉप लैंप भी जो गाड़ी में मिल जाता है। ग्लेंजा की सेंट बैजिंग दी हुई है। अगर आप IJM टोयोटा से कोई भी गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो डीलरशिप का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको मैं नीचे स्क्रीन में शो कर दूंगा। इस वेरिएंट में आपको कोई भी कैमरा नहीं मिलता, सिर्फ पार्किंग सेंसर ही मिलते हैं। 318 liter का गाड़ी के अंदर में बूट स्पेस दिया गया है। बूट लैंप गाड़ी में नहीं मिलता है बट काफ़ी डीप सा जो है इसके अंदर में बूट स्पेस दिया गया है। जो स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट है यहाँ नीचे की तरफ मिलेगी, बिल्कुल फुल साइज का ही जो है इसके अंदर में स्पेयर व्हील आएगा। सेकेंड रो की जो सीट्स हैं वो ना आपकी 60-40 स्प्लिट सीट नहीं आती है, बेंच टाइप सीट आती है, उनको आप जो है इतना फोल्ड कर सकते हैं। अभी गाड़ी के इंटीरियर से बताता हूँ आपको। यहाँ पे ना चारों पावर विंडो के स्विचेस जो है मिल जाते हैं और ये ड्राइवर साइड विंडो जो है ऑटो डाउन फंक्शन के साथ में दी गई है। बोतल कैरी करने के लिए होल्डर है। यहाँ पे फैब्रिक का भी यूज़ जो है आपको देखने को मिल जाएगा। इस बेस वेरिएंट में ना आपको कोई स्पीकर नहीं मिलता है, सिर्फ हाउसिंग ही मिलती है जो कि चार डोर्स पर मिल जाती है। हाइट एडजस्टेबल सीट इस वेरिएंट में नहीं आएगी। यहाँ पे ना आपको क्रीम से कलर का यूज़ देखने को मिलेगा। बकेट फिटिंग भाई गाड़ी में काफ़ी अच्छी सी आ जाएगी। यहाँ पे दिया हुआ इसके आइडल इंजन ऑन एंड ऑफ का स्विच, लाइट लेवलिंग के लिए हुड का एंड इसके फ्यूल लिड को खोलने के लिए। स्टेयरिंग व्हील आपका फ्लैट बॉटम आएगा बट ये ना आपको कोई लेदर रैप वगैरह इस पर नहीं मिलेगा। और जो गाड़ी की है वो तो मैंने आपको दिखाई दी थी। यहाँ पे कोई इल्यूमिनेशन भी जो है इसके अंदर में नहीं आपको मिलती है। जो गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है अरे यार टू करती रहेगी। जो गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है वो आपको एनालॉग में दिया गया है, टैकोमीटर स्पीडोमीटर, बीच में छोटी सी MID दी गई जो कि बेसिक सी ही इन्फॉर्मेशन शो करता है। म्यूजिक सिस्टम इस गाड़ी में नहीं मिलता है, सिर्फ आपको यहाँ पे हाउसिंग ही मिलेगी। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भाई गाड़ी के अंदर में आ जाता है और नीचे की तरफ में आपको 12 volt का शॉकेट मिल जाता है, 2 glass holder मिल जाते हैं, 5-speed ही गाड़ी के अंदर गेयर बॉक्स आएगा। इस वेरिएंट में आपको आर्मरेस्ट भी नहीं मिलता है। IRVM इसके मैनुअल डे नाइट वाले मिल जाते हैं। पैसेंजर साइड सनवाइजर में कोई मिरर वगैरह नहीं मिलता है और ड्राइवर साइड सनवाइजर में भी आपको कुछ भी नहीं मिलता है। ग्लोव बॉक्स भाई इसका ठीक साइज का मिलता है। इस गाड़ी के अंदर ना हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं है, इस वजह से क्या है थोड़ा सा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो डैशबोर्ड है ये ज़्यादा ऊपर से लग रहा है और मैं थोड़ा सा दसा बैठ गया हूँ। इस वजह से विजिबिलिटी इस गाड़ी के इस वेरियंट के अंदर से इतनी अच्छी सी नहीं आ रही है। बाकी साइड विंडो से बात की जाए तो यहाँ से तो ठीक मामला है बट जो ये वाला मामला है ना ये बहुत ऊपर से मेरे को महसूस हो रहा है, मेरे ऊपर चढ़ा से लग रहा है। और जो गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील है ना वो आपको सिर्फ टिल्ट फंक्शन के साथ ही मिलता है। ऑटो हेडलैम्प या फिर ऑटो वाइपर नहीं मिलते हैं। ORVMs भाई ठीक इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं बट इनको बार बार आप हाथ से एडजस्ट करोगे तो गंदे ज़्यादा जल्दी होए करेंगे, ऐसे तो बार बार तो करना पड़ता नहीं। बाकी जब दूसरे ड्राइवर बैठते हैं ना तो उसके हाथ जो है इसमें लग जाएंगे। सेकेंड रो में बात की जाए कैसे कम्फर्ट मिलता है तो जो गाड़ी के अंदर में नी रूम है मस्त मिलता है, लेग रूम है वो भी आपको गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छा मिलता है, अंडर थाई स्पॉट भी ओके मिलती है बट जो गाड़ी के अंदर में रेक्लाइनिंग है ना वो इतना अच्छा सा नहीं दिया गया है। दो गाड़ी के अंदर में
थ्री पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है, आइसोफिक्स सीट्स भी जो है गाड़ी में मिल जाती है, पीछे कोई एयर के वेंट नहीं मिलते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको 12 वोल्ट का शोकिटी मिलता है। और पीछे से कुछ ऐसा लगता है इस गाड़ी का डैशबोर्ड देखने में, ऊपर की तरफ में आपको आगे की तरफ ना कोई भी रीडिंग लैंप नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ सेंटर में ही जो आपको रीडिंग लैंप अवेलेबल होता है। अब ज़्यादा अच्छे से आपको पता चल पाएगा कैसा नी रूम है, नी रूम एक नंबर है, लेग रूम भी एक नंबर है, अंडर थाई स्पोर्ट ओके है, रेक्लाइनिंग एंगल गाड़ी के अंदर इतना अच्छा नहीं है, बीच का हम थोड़ा सा ही उठा हुआ है, बट तीन जने ही हुए हैं, थोड़ा सा शोल्डर टच होके इसके अंदर में बैठ सकते हैं, बट सीटों की कुशनी वगैरह भी आपको ठीक ठाक से मिल जाती है। अब इस गाड़ी का इंजन आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर मिलता है 1.2 लीटर का VVT वाला इंजन, जो कि आपकी 88 BHP और 113 Nm का टॉर्क जो ये इंजन है प्रोड्यूस करता है। सेम मारुति वाला इंजन है, ऐसा नहीं है कि भाई टोयोटा के अंदर आ गई तो टोयोटा वाला इंजन है और जैसे जो लोगो वगैरह है ना सिर्फ वही चेंज है, बाकी है तो जो बिल्ड वगैरह है वो सब कुछ ही आपको मारुति वाली ही इसके अंदर में मिलती है। 22 की माइलेज जो है कंपनी इसकी क्लेम करती है, बाकी आप पर डिपेंड करेगा किस तरीके की माइलेज जो है इससे निकाल पाओगे। वैसे ओनर से मैंने पूछा है तो माइलेज इस गाड़ी की मैनुअल ट्रांसमिशन में काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। तो गाइस ठीक है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना, टेक केयर, थैंक यू सो मच।